दोस्तों अगर आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो टाटा पंच ईवी के लिए थोड़ा सा और वेट करना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फीचर्स, नए आर्किटेक्चर बहुत अच्छी रेंज के साथ आने वाली है। वैसे ईवी लेने में सबसे बड़ी समस्या हमारी ये रहती है कि भाई रेंज कम रहती है, एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो गाड़ी बहुत सारे अच्छे फीचर लेकर आई जो कि जिसकी मैं आगे बात करूँगा, और रेंज एंजाइटी को काफ़ी हद तक ये कम कर देगी। तो सबसे पहले तो इसका जो आर्किटेक्चर है दोस्तों, ये एक प्योर ईवी आर्किटेक्चर कंपनी की तरफ से कहना है, जेन 2 आर्किटेक्चर पर बनी हुई है। जो अल्फा आर्किटेक्चर अल्ट्रोज या पंच पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, सेम आर्किटेक्चर है लेकिन थोड़ा सा एडवांस किया गया है। इसमें काफ़ी सारे अलग छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसकी वजह से इसमें कैबिन स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो पंच ईवी आने वाली है, पेट्रोल में तो हमने देखा कि भाई थोड़े बहुत वाइब्रेशन नज़र आ जाते हैं, थोड़ा सा गाड़ी के चलने में थोड़ा सा फर्क दिख जाता है, अगर ऑटोमेटिक है तो थोड़ा सा लैग फील होता है, लेकिन ईवीज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो पंच फाइनली एक बहुत ही अच्छे अवतार में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पंच की काफ़ी फोटोज़ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इस गाड़ी में बैटरी साइज थोड़े से ज़्यादा लगने वाले हैं, बैटरी पैक बड़ा होने वाला है। 25 किलोवाट और 35 किलोवाट के ऑप्शन में आपको मिलेगी, मीडियम रेंज में 25 किलोवाट, जो कि आपको 350 प्लस किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करेगा, ऐसा क्लेम्ड रहेगा, जो कि आपको 250 प्लस आप कयास लगा सकते हैं कि मिल जाएगा। अब बात करिए अगर लॉन्ग रेंज की तो कितनी जाएगी, तो 35 किलोवाट की जो बैटरी है वो आपको लगभग 480 से 490 मतलब 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, जो कि आप नाना करके भी 350 प्लस यहाँ पर मान सकते हैं जो कि मिलेगा। अब बोलोगे भाई इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। गाड़ी सिर्फ 10 से 15 मिनट फास्ट चार्जिंग पर रहेगी तो आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, यानी कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं, रेंज के लिए ज़्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हो लॉन्ग रेंज में। जहां पर भी फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है वहां पर आप बहुत कम समय में, जितनी देर में आप पेट्रोल भराते हैं या सीएनजी भराते हैं, डीजल भराते हैं, उतनी ही देर में अपनी ईवी को चार्ज करके और निकल सकते हैं। अब बात दोस्तों, टाटा वैसे भी सेफ्टी में सबसे आगे ही चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, यानी कि स्मार्ट जो इनका बेस वेरिएंट है वहाँ से आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, प्लस बहुत सारे एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि मैं आगे बताता हूँ। पंच पेट्रोल जो आपने देखी उसमें स्पेस का भी थोड़ा सा हमें लगता था कि भाई अल्ट्रोज थोड़ी बेटर थे, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस नहीं तो पंच पर हम चले जाते थे। पंच ईवी में ग्राउंड क्लियरेंस तो सेम रहने वाला, लेकिन कैबिन स्पेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सामने इंजन नहीं है तो वो एक लेग रूम आपके लिए बढ़ जाता है, प्लस रियर सीट जो है उसके नीचे आपको फ्लैट फ्लोर ही देखने के लिए मिलेगा, वो एक ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाएगी, और कैबिन में थोड़ा स्पेशियस आपको फील होने वाला है, प्लस बूट स्पेस भी आपका बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर हाइलाइट्स दूं आपको इसके फीचर्स की, तो बता दूं दोस्तों गाड़ी के अंदर सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल है, 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम हार्मन की तरफ से मिल जा रहा है आपको, जिसमें आपको बहुत अच्छे से स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलेगा, साथ ही साथ 10.25 इंचेस का MID यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मिलेगा, जो आपके हैंडल के पीछे, स्टीयरिंग के पीछे की तरफ होता है। ऑब्वियसली टच नहीं होगा, बट बहुत सारे फीचर्स वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, जैसा कि हैरियर में आप देख सकते हैं अभी मिलते हैं, तो वो आपको पंच के अंदर मिलने वाला है, इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलने वाली है और एयर प्यूरीफायर भी मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं भाई कौन कौन से वेरिएंट्स और किस किस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो जो स्मार्ट वेरिएंट होगा इसका, जो बेसिक रहेगा, उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, देखिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको मिल जाता है, साथ ही साथ मल्टी मोड रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो गाड़ी में पावर लगातार बनती रहेगी। स्मार्ट डिजिटल DRLs आपको बेसिक वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, और मिलते हैं LED हेडलैम्प्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक वेरिएंट में भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगाते हैं, देखिए बेसिक वेरिएंट का जो प्राइस है लगभग 11 लाख से शुरू होने वाला है, और बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी सब्सिडी चालू है, तो वहाँ पर आपको RTO टैक्स भी कम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। 11 लाख लगभग 10 से 11 लाख रुपए में इसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस हो सकता है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो कह सकते हैं कि 9-9.5 लाख में भी टाटा अगर लॉन्च करते तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब हम इसके अगर अपर वेरिएंट पे जाएंगे, जो कि एडवेंचर वेरिएंट है, तो उसमें आपको मिलती है क्रूज कंट्रोल, जो कि सेकंड वेरिएंट में आपको मिल जा रहा है, फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग, सामने की तरफ फॉग लैंप्स मिलेंगे जो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आएंगे, जो कि आपकी विजिबिलिटी को ज्यादा करते हैं जब आप ऐसे टर्निंग वाले ज्यादा रास्तों पर जाते हैं। यहां पर आपको 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जिसके साथ आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही इसी गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड भी मिल जाता है। हालांकि ये सिर्फ लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में मिलेगा, मिड रेंज में नहीं मिलेगा, बट ऑटो होल्ड आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। जो कंट्रोल नॉब है वो आपको ज्वेल्ड मिलेगा, जैसा नेक्सॉन के अंदर आता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है, वो आपको पंच के अंदर मिलने वाला है। और सनरूफ का ऑप्शन इस वेरिएंट में भी अवेलेबल रहेगा, तो आप अगर सनरूफ चाहते हैं तो आप सनरूफ चूज कर सकते हैं। बात करें इससे भी अपर वेरिएंट की, तो दोस्तों आता है एम्पावर्ड, जिसके अंदर आपको 16 इंचेस के डायमंड अलॉय मिलेंगे, मतलब एडवेंचर वाले सारे फीचर्स तो मिलने ही मिलने वाले, साथ में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाते हैं, 17.78 सेंटीमीटर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, हाथ के साथ SOS का फंक्शन मिल जाता है, 26.04 सेंटीमीटर का आपको टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। यहाँ पर देखिए आपको लगभग 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है, और कॉकपिट जो है आपका, जो MID है, वो 7 इंचेस के लगभग का हो जाता है। सनरूफ ऑप्शन तो है ही, यहाँ पर ड्यूअल टोन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट, जो कि एम्पावर्ड प्लस होगी, जो कि लगभग 15 लाख के बजट में होने वाली है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा
लेदरेट सीट्स मिल जाती हैं, जिसके साथ आपको वेंटिलेशन भी मिल जाता है। तो लेदर सीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि भाई वो ज़्यादा गीली होती हैं जल्दी, तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है। साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है आपको, तो सब तरफ आप गाड़ी चलाते समय भी देख सकते हो। ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर भी आपको दिया जा रहा है, तो आपकी एक्टिव सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। RK.EV का ऐप सूट आपको मिल जाता है, वायरलेस स्मार्ट मोबाइल चार्जर आपको मिल जाता है, तो आप मोबाइल को रख सकते हो। प्लस 26.03 सेंटीमीटर का यानी कि लगभग 10 इंच का आपको जो है MID मिल जाता है, यानी कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका मिल जाता है। दो बड़े बड़े स्क्रीन आपके सामने रहने वाले हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, गाड़ी लगभग 10 से 11 लाख रुपए से शुरू होगी और 14-15 लाख रुपए तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जा सकता है। अब मेन चीज़, अगर मैं पेट्रोल ना लेकर के इस पे शिफ्ट होता हूँ तो मुझे रेंज एंग्जाइटी यहाँ पर होने वाली है, जो कि बहुत मिनिमल होगी क्योंकि फास्ट चार्जिंग हर जगह पर अवेलेबल होने लगी है। जब तक आप मेट्रो सिटीज़ में सफ़र कर रहे हैं या फिर अभी छोटी सिटीज़ में भी आपको दिखने मिल जाएगी कि भाई फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, तो वो मैं कर सकता हूँ, घरों में गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है। रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर लिटरली 400 किलोमीटर की रेंज मुझे लॉन्ग रेंज में प्रोवाइड कर देती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ। और इस गाड़ी में जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस गाड़ी के लॉन्च होने तक। प्री बुकिंग चालू है, वो आप इनकी साइट पर जाकर के कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे बुकिंग करके रख लीजिए। जैसे ही गाड़ी लॉन्च होती है आपको शायद हो सकता है आप पहले या फर्स्ट 1000 में आ जाए। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। धन्यवाद।